पास जाके दिखाता हूँ आपको। मेहरबान करदान, माय नेम इज जोन कृष्ण चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आगे से ब्लॉग स्टार्ट, चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यार इस ब्लॉग में बहुत ही अंदर तक गया हूँ और यार मैं बिल्कुल शॉक था। तो मैं शॉक क्यों था, आप पूरा ब्लॉग जाके देखिए और ये फुटेज आपको किसी भी चैनल पे किसी भी मीडिया पे नहीं देखने को मिलेगी, ये केवल इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है जो कि पार्ट वन है इस ब्लॉग का, तो जरूर देखें, तभी आपको ये पूरा ब्लॉग समझ में आएगा, नहीं तो ये ब्लॉग आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने लिंक जो है उस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जो कि पार्ट वन है इसका, तो वो देखिए और वहीं से नया ब्लॉग शुरू करते हैं। ये पार्ट टू जो है देख रहे हो आप, ये जो है ना ये पीछे, ये मुझे लग रहा है यहाँ का जो है ये गेट है जहाँ से सारी गाड़ियाँ वगैरह इनकी जो उस टाइम में थी और जो भी इनके साथ में घोड़े वगैरह और जो भी रथ वगैरह आते थे जिसमें राजा महाराजा सवार होते थे और सारी पालकियाँ वगैरह यहाँ पे होती थी। और मैं आप थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ, ये देख रहे हो गेट, कितने पुराने टाइम का गेट बना है। तो आप देख सकते हो यार ये गेट का घर कैसे बनाया, आप देख लो ऊपर नंबर देख लो, घंटा लगाया यहाँ, ये घंटा मेरे ख्याल से पहले चलता होगा, अब जो है ये शायद बंद पड़ा। बिल्कुल पुराने टाइम का बना रखा है यार, एकदम बिल्कुल ऐसे फीलिंग आ रही है पुराने राजा महाराजा रहते थे यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो दो गेट हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो आप ये दो गेट हैं आप, और बाकी देख रहे हो आप ये दो गेट हैं, एक गेट ये है और एक गेट ये है, यहाँ पे शायद अंदर कोई रहता भी है। और बाकी देख रहे हो कितना बड़ा गेट बना रखा है, गेट इतने बड़े बड़े हैं, पूरे पूरे रथ निकल जाते थे यहाँ से। और आप देख रहे हो ये पूरा घंटा टाइप का बना रखा है, ये देखो बीच में ऐसा लग रहा है जैसे झूमर टाइप का बना रखा है, झूमर टाइप का ही होता है ना, झूमर लटका हुआ या कोई और चीज जिससे जो दुश्मन आते होंगे उनके ऊपर गिर जाता होगा ये, बाकी पता नहीं मुझे क्या है ये, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वही आपको मैं बता रहा हूँ बढ़िया करके। देख रहे हो कितना एपिक माहौल है, और आप पीछे देख सकते हो मेरे, देखो ये मस्जिद बनी है, देखो ये मस्जिद शायद अभी अभी बनी है, देख रहे हो आप यहाँ से, देखो पूरा जो यहाँ से बालकनी बनी है सबकी, तो बालकनी दिख रही है यहाँ की, तो वो सामने बालकनी दिख रही है, एकदम अलग ही टाइप का यहाँ पर माहौल है, ऐसे बना रखा है बिल्कुल आजकल के टाइप के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं ना वो नहीं बना पाए। नीचे की दीवार है, हर दीवार पर कोई ना कोई निशान जरूर है यार, ये चीज़ मुझे बढ़िया पी गई। अब जो है यार थोड़ा आगे चलते हैं, और थोड़ा आगे चलते हैं फटाफट। देख रहे हो क्या भयंकर बना रखा है, ये देखो क्या डेंजर बना रखा है यहाँ पे, एकदम ना ऐसा लग रहा है बिल्कुल यार जैसे पता नहीं भाई किसी महल के बाहर आ गए हो, बड़े बहुत ही यार एपिक बना रखा है। यहाँ पे लिखा है फोटो खींचना मना है, आप देख सकते हो उधर सुन करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे कबूतर वगैरह हैं ज़्यादा और मतलब खिड़कियाँ भी हैं वो भी टूटी हुई हैं सर, और बाकी उधर लगता है लोग वो रहते हैं, अभी उनसे ही बात करेंगे अभी आगे चल के अंदर इसके जाने की परमिशन है या नहीं।
तो यार आप देख रहे हो सामने लिखा है यहाँ घूमना मना है, पर यार हम तब भी घूम रहे हैं। अरे घूम के आ रहे हैं, हम तो आपको दिखा रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठे आराम से ये देख पाओ। देखो सामने जो है लाउड स्पीकर टाइप का पता नहीं क्या है, कैमरा वगैरह लगा है, क्या लगा है आपको पता नहीं, दिख रहा है कैमरे में यानी देख रहे हो ये यही तुम पता नहीं यार क्या बना रखा भाई, खतरनाक एकदम समझ के बाहर ये सब चीज़ें। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ की मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ ठीक है। यहाँ की जो बातें हैं मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कोटी खसबाग के अंदर मैंने न्यूज़ में देखा है और जीके के जो बुक्स वगैरह आती हैं उसमें मैंने पढ़ा है कि इसके अंदर एक ऐसा एसी था जो पूरे हिंदुस्तान में किसी महल के अंदर ऐसा एसी नहीं था, हाथों से बनाया गया एसी था। बर्फ़ की सिल्ली जो होती है ना, बर्फ़ की सिल्ली रख देते थे ऊपर लिंटर में, और पंखे होते थे बड़े बड़े दीवारों की बराबर, और सैनिक जो थे पंखे खींचते थे उनके दास होते थे। खींचने के बाद हवा चलती थी तो उस ठंडी ठंडी बर्फ़ से हवा आती थी जो लोग गेस्ट वगैरह आते थे उनके लिए। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ा स्विमिंग पूल था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल था। इसके अंदर जो सारी चीज़ें एकदम पुराने टाइम का बढ़िया सा एकदम बना था बिल्कुल, और इंडिया का पहला स्विमिंग पूल था वो, सबसे बड़ा इसके अंदर बना है। अगर मुझे परमिशन मिलेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बढ़िया करके, निकल जाएगी रहने दो रहने दो निकल जाएगी, तो मैं आप लोगों को बढ़िया करके दिखाऊंगा अगर परमिशन मिल गई मुझे तो। तो ये देखो ये गाड़ी अंदर जा रही है इधर, अभी गई है ठीक है, तो अंदर कोई रहता है। पर यार मैं इस टाइम कोरोना का वो चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा किसी को इधर परेशान नहीं करूँगा, आगे चल के हाँ पता करूँगा जहाँ मेन गेट है वहाँ पर सबसे पता करूँगा। तो चलिए फटाफट टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं और आगे चलते हैं। और हाँ अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर करा करिए और सब्सक्राइब भी करा करिए चैनल को। और बाकी जो है आप देखिए ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और ये भाई मेरे साथ खड़ा है ये कितनी मेहनत कर रहा है, वीडियो शूट कर रहा है पूरी। सर ये आप लोगों के लिए है और किसी के लिए नहीं है, आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि आप बढ़िया करके देख पाओ ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करा करिए बढ़िया बढ़िया, जो आपको अगर अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट करा करिए, और आप ये बताया करिए कि हम जो हैं आपको और क्या क्या दिखाएं ठीक है। चलो यार आगे चलता हूँ फटाफट। देखो यार एक एक रूम यहाँ पे बने हैं और अंदर से काफी बड़े होंगे ये, देख रहा हूँ देखो यार क्या बड़े बड़े बने हैं। देख सकते हैं पुराने टाइम के मेरा ना चैनल है अपना यूट्यूब पे चैनल है, तुम तो कुछ दिखा सकते हैं यहाँ का भी नहीं आप अगर दिखा पाए तो थोड़ा, बाकी उसको यूट्यूब पे करते हैं नहीं दिखा सकते, परमिशन नहीं है। चलिए कोई तो यार यहाँ पे परमिशन नहीं है, चलिए कोई नहीं चलते हैं वापस, कोई बात नहीं यार परमिशन नहीं है तो अच्छी कोई बात नहीं है। तो बाकी तो मैंने आपको दिखाई दी आप समझ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ था कि फोटो खींचना और बाकी घूमना वगैरह मना है, लेकिन मैंने आपको दिखाया ताकि आप जो है बढ़िया से देख पाओ। तो अब चलते हैं चलो आगे।
बाइक खड़ी कर दी है मैंने यहाँ पे, और थोड़ा आगे चलते हैं दिखाता हूँ आपको कुछ बढ़िया दिखता है। पूरा बंद कर दिया गया और मैं भाई से कहूंगा थोड़ा इधर आके दिखाया जाए। तो यार आप देख रहे हो ये पीछे जो है मैं इधर देखो इधर ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, सीढ़ियों से चढ़ के उधर मैंने पीछे बुलेट खड़ी कर दी है, और इधर देखो क्या नज़ारा है पीछे पूरा एकदम बना रखा है, एकदम ऊपर सीढ़ियों पर आ गया हूँ, और ये ऊपर भी देख रहे हो इधर भी ऊपर भी सीढ़ी टाइप की बनी है, और ये जो है इधर देखो पूरा एकदम ऐसी सुनसान पड़ा है बिल्कुल यार, अगर इसको म्यूजियम टाइप का बना दिया जाए जैसे उदयपुर में आपने सिटी पैलेस देखा होगा उस टाइप का, अगर इसे बना दिया जाए तो ये कितना बढ़िया बन के आएगा। एक एक चीज की एकदम ऐसी लग रही है बिल्कुल एकदम महाराजा की टाइम की एकदम शानदार, देख रहे हो एकदम बिल्कुल एपिक है बिल्कुल नज़ारा है। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए, चलो यार नीचे चलते हैं फटाफट। ये देख रहे हो आप क्या क्या लिख रखा देखो यहाँ पे, लड़के वगैरह आते थे यहाँ पे लौंडे लफाड़े वगैरह, और ये जो है ये देखो सब नाम वाम लिख रखे हैं इन्होंने, ये देखो तो यार ये एपिक नज़ारा है यहाँ का देख रहे हो आप, उसके अंदर पता नहीं भाई क्या रहा होगा एकदम एपिक बना रखा है। इधर से ये देखो पूरा एकदम ऐसी है देख रहा हूँ शानदार बना रहा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा आगे तक आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखो ये पूरा बिल्कुल इधर तो अलग ही रहेगा, इधर थोड़े बड़े टाइप के गेट बने आप देख सकते हो, उधर जो है छोटे टाइप के हैं, मैं कमरा दिखाने को भाई देखो छोटे टाइप के, इधर जो है ये देख लो यहाँ से जो है बड़े टाइप के बड़े बड़े ऊंचाई वाले गेट बने यहाँ पे जो है, और देख रहे हो ऊपर जाने को कैसे लग रहा है जैसे आज रोशनदान होता है, ये तो बिल्कुल एपिक ही नज़ारा है और बिल्कुल यार एकदम खतरनाक माहौल होता है देख सकते हो। अगर पीछे ना मैंने भाई से बाइक मंगवा ली है इधर, तो उधर ना थोड़ा सेफ नहीं है, सुनसान इलाका है ना, कोई ले जाए या कुछ हो जाए। यार देख रहे हो आप यार एकदम, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स बने आप देख सकते हो, इतने मोटे मोटे पिलर्स नहीं देख रहे हो, ठोस तरीके से बढ़िया तरीके सॉलिड तरीके से बना रखे हैं। Thank you.
कैसे बना, और इसके अंदर जाके मैं थोड़ा दिखाता हूँ। तो चलते हैं थोड़ा और आगे, आपको और थोड़ा दिखाता हूँ। अरे अंकल चाय पानी हम तो अंकल को देंगे, अभी शुरुआत करिए इसकी वीडियो बनाने की। यार देख रहे हो रामपुर नवाब का ये जो बना मूर्ति बनी है, देखो रामपुर नवाब। तो इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। अब आप देखो ये मूर्ति बनी है पुराने टाइम की, एकदम रामपुर नवाब की। तो इसके थोड़े पास जाके दिखाता हूँ आपको। गड्ढा है नहीं, हल्का सा वो आप बड़ा के पैर रख लीजिए ना इसके। पुराने टाइम की नवाबी टाइम की ये खड़ी कर दी इधर अपनी बुलेट, और ये है खेत, और इधर है ये नवाबी टाइम की मूर्ति, देख रहे हो एकदम खेतों के बीचों बीच। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है RKC Vlogs। अब रोहन चौहान 2193 जो है वो चेंज हो चुकी है, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो उसे लाइक करें बिना बिल्कुल ही मत जाना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहता हूं। तो यार अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक बिल्कुल कर देना, और कमेंट करिए अपने जो जो आप कमेंट करना चाहते हैं, जो जो कुछ पूछना चाहते हैं बढ़िया करिए कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए चलो यहाँ भी आ गए हैं, वो यहाँ पर भी आ गए। चलो चलो हाँ यहाँ तो ले सकते हैं अंकल। अंकल जी से भी ले लो भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, और अंकल कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ काम से जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये अंकल था, अभी आपको दिखाता हूँ ये जा रहे हैं। देखो
यहाँ पे देख रेख करते हैं सारी मेंटेनेंस वगैरह। तो यहाँ पे जो है क्या, मैं मना कर रहे थे, आगे रोक लिया था उन्होंने हमें, और मैंने कहा मैं आपको शूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था।